आते हमार रह तरिश्त कबो कबो धले तरिश्त हमरो ठीक लगता माने हमार देहिया देखा लो आई जतना जना मोबाइल चलावत तरा यूट्यूब वाला भाई लोग हमें जी कुछ हो कहत नहीं तो हम मनोरंजन खाती कहत ठीक ना। अब एक उल्टा न्यूज औज मत बनाई हम अब जी की हम प्रवचन करब तो ठीक लगी हो आ तू हमार प्रवचन सुनाइल बड़ आय होली। अब देखिए अब आप लोग हमारे यूट्यूब भाई वालों से निवेदन है कि आप लोग बताइए पब्लिक के मनोरंजन को आप लोग गलत उसको खेसारी ने एक लड़की का पकड़ लिया पकड़ा है लेकिन बोल दो कि हाथ पकड़ा था पूरा न्यूज सुनने के बाद पता चलता है कि नहीं हाथ ही पकड़ा था लेकिन भूमिका इतना मान लो कि बाप रे बाप ऐसा लागत है कि नीतीश जी पलटी मार दले बड़े ऊ वाला स्थिति में मैंने आप लोगों से है आप लोग बनाइए न्यूज हम पूरा नहीं बोल रहे हैं लेकिन आप लोग भूमिका आज खेसारी का एक लड़की ने पकड़ लिया क्या पकड़ा शरीर पकड़ा बाद में लास्ट में 2 सेकंड रहता है तो पता चलता है कि शरीर पकड़ा था का कहा जाए ले ले लमका कि गोलका तया बजे जान पाए गोल ले ला एकरे के लोड कर लिया एकरे के रिकॉर्डिंग कर दे ऐसे जगह में मजा ना आई बाप रे तो जोड़ घटा होते बड़ा का हमारा तना भाग बुनाई रही तब ऐजी रहती हम वैज्ञानिक ना बन रहती। अच्छा है ने बा ना है ने है नहीं अपना राशन के हिसाब लिख के बड़े दूध के हिसाब हो माने हम अही रही तो हमारा लगे दूध के हिसाब आई के कर दूहले बानी मंगल यादव। अच्छा यो अही रहे हम मंगल यादव धुरकी महामंत्री भारतीय जनता पार्टी देवरा ढोढ़ी मुदले बाबे पेरी माटी से भारतीय जनता पार्टी में ढोढ़ी मुदाता है ये संगीत है। और सबसे बड़ी देखिए हम नेता बाद में बनते हैं पहले तो हम एक इंसान हैं समाज हमें बाद में मिलता है पहले तो हम समाज में रहना सीखते हैं आप लोगों से दुनिया सीखती है तो इंसान तो होता है सबको मनोरंजन चाहिए अच्छा बोलने के लिए हर आदमी मंच पे अच्छा तो बोल देता है लेकिन अंदरवा वह कम वह करता है सबको संगीत अच्छा लगता है यार अश्लील बोलने वाले हजारों लोग यहाँ है कि नहीं अश्लीलता है अश्लीलता है अश्लीलता है अश्लीलता है नींबू खरबूजा 150 मिलियन हो गया। अब बताइए आखिर यही लोग सुने हैं ना वो मनोरंजन है वो अश्लील नहीं है और जो चीजें मनोरंजन में आती है वो अश्लील नहीं होती है जो चीजें भोजन में आती है वो हमेशा इंसान के जीवन के लिए अच्छा होता है। आप केहू काचा मांस खाई तो गलत बा वो भोजन में ना आवेला ना जी। हम लोग कितने बार एक दूसरे के किए हैं मनोरंजन देखिए अब ई लड़की धो लेती है जैसे हम कुछ बोला था नहीं तो टप दे धो लेती है ये कलाकार है कलाकार कुछ भी पकड़ सकता है तू पकड़ तरू ठीक कि हम तो ढोंढ़ी मुदल रहनी पिजरी माटी से तनिए को बढ़ा देगा आवल हो हिली हो आवल हो है नहीं बेटे हाँ पगली ऐसे लग रहा है कि आपको किसी ने आज तक पकड़ा नहीं है आपको किसी ने नहीं छुआ हेंग झूठ बोलल जाला सीधे झूठ बोलत या हमरे के केहू छुअल ही नहीं के तो जितना तारा बॉडी में सब बढ़ल चिहल बावे ये अपने से बढ़ गई बा शरीर बढ़ गया हाइट बढ़ गया बाल बढ़ गया
ब्लाउज बढ़ गया। पगली पगली का बोल रही है, हम तो डिस्टर्ब हो जाएंगे। कोई बात नहीं, आज किसी ने नहीं छुआ, आज मुझे निरौट सम्मान मिला है। अच्छा है, मैंने आपको छुआ, अब किसी और से छुआना मत। जब भी छुआने का मन करे मुझे कॉल कर लेना कि सर एक बार आके छू लीजिए ना। कि हम तो थोड़ी मुदल रहनी पियरी माटी से, मुना बजा बाता बाजा कि कहियो लौका बोंदी ए बलबुआ तहरा धरती में आहर लेके चढ़ गई बावे तहरा परती में। आप इनकी ही जान नहीं, जिंदगी में हर आदमी दौलत कमाता है, कभी कभी अच्छी बात भी सुना करिए आप लोग। मैं जिंदगी में मैं जो किया हूं, जो मैं समझता हूं, जितना इंसानियत मुझे आती है, भैया इस धरती पे मैंने बहुत करोड़ों पति को देखा है, अरबों पति को देखा है, लेकिन लोग यहां जो खर्चा होता है ना वो पैसा कमाते हैं, वहां क्या खर्चा है आप कमाते हैं, क्योंकि यहां का पैसा वहां नहीं चलता है। आज 51 लड़कियों का जो शादी पिछली बार भी मैं आया था तो आपने कराया था, ये पैसे जो है ना ये यहां खर्चे नहीं होते, वो वहां खर्चे होते हैं जो आज आपने किया है। हर आदमी यहां खर्चा होने वाला पैसा कमाता है। लोग बोलते हैं ना कि भगवान राम बन गए तो बन गए, भाई हर आदमी बन जाता है। आप अपने घर को छोड़ के नहीं जाते कमाने के लिए, बट अंतर इतना है कि आप पैसा कमाने जाते हैं। हमारा जाना इंपोर्टेंट नहीं है, लौटना इंपोर्टेंट है। भगवान राम तो बस एक राजा दशरथ के पुत्र थे, राम थे, लेकिन लौटे तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बन के लौटे, तो लौटना उपलब्धि है, जाना उपलब्धि नहीं है। हर आदमी घर छोड़ के जाता है। महाराज एक वो देखिए, महान ऐसे कोई नहीं बनता है। एक मां के छोटे बच्चन के लिए 14 बरस कोई काटता है क्या? आज मां एक शब्द बोल देती है तो बेटा घर छोड़ के चला जाता है, मां के बच्चन के लिए नहीं, ईगो में। पत्नी रूठ जाती है तो कोई मनाने नहीं जाता है, लेकिन एक आदमी ऐसा भी था कि पत्नी के हरण होने पर वो फाइट किया अपने सम्मान को बचाने के लिए। आज को लोग तलाक दे देते हैं, एक दिन पत्नी रूस के चली जाती है तो लोग तलाक दे देते हैं। जिंदगी में रिश्ते को संभाल के रखिए, अगर उसको आप बीबी ही समझिएगा सिर्फ, तो आपका रिश्ता नहीं चलेगा। उसको मां भी मानिए, उसको अपना बेटी भी मानिए, उसको अपना बहन भी मानिए, उसको अपना पिता भी मानिए, उसको अपना दोस्त बना लीजिए। तो एक महिला के साथ आप 10 रिश्तों को जोड़ दीजिए, तो किसी ना किसी रिश्ते को अगर लगाइएगा तो वो रॉन्ग नहीं है, राइट है। जिंदगी में मैंने जितनी दौलत कमाई है मुझे पता नहीं। किसी दिन खेसारी के पास रहने के लिए घर नहीं था, आज इतना घर है कि खेसारी रह नहीं पाता है, लेकिन मैंने अपने बेटे के लिए कमाया। अब मुझे अपने पोता के लिए नहीं कमाना है। मेरे पापा ने मेरे लिए जितना किया उनके लिए ठीक था, मैंने अपने बेटे के लिए किया, अब उसका भी तो दायित्व बनता है कि वो अपने बेटे के लिए करे। अब सात पुत्र का ठीका लेकर बैठे हैं हम? नहीं, जिंदगी में अगर कमाना है ना तो दौलत नहीं, दुनिया कमाइए, लोग कमाइए, यही आपकी असल दौलत है। पैसे तो आज खर्चा होंगे, चले जाएंगे यार। और मैं क्या बोला कि ये शरीर का कोई किसी का यहां है नहीं। धन धन करिएगा, लास्ट में निधन ही लिखाने वाला है, तो इसलिए बेहतर करके जाइए। लोग कहते हैं ना कि दुनिया बुरी है, दुनिया बुरी है तो तुम्हें अच्छा होने से कौन रोका है यार, तुम अच्छे हो जाओ, क्या फर्क पड़ता है। इसलिए आपसे मोहब्बत है मुझे, आई लव यू। भानु प्रताप शाही एक इंसान नहीं, एक देवता है।
और मैं एक देवता के पास खड़ा हूँ और ये मेरा नसीब है जी, आप जैसे भले आदमी के साथ खेसारी लाल यादव खड़ा रहता है। एक जोरदार भानु भैया के लिए ताली हल्ला करके बजाओ, लव यू। और सुनिए, चुनाव जीतिएगा ना, अब जीतिएगा, अब जीत गए, आज ही जीत गए हैं आप। अब तो इलेक्शन नहीं भी होगा तो आपको हम ऐसे ही पार्लियामेंट भेज देंगे, क्योंकि आपके पास लोगों का मोहब्बत है। आप वोट नहीं मांगते हैं, आप आशीर्वाद मांगते हैं। और आप नेता नहीं, यहाँ के लोगों के लिए एक बेटा है। तो नेता विकास नहीं करता, अपने परिवार का विकास एक बेटा करता है, क्योंकि उसको पता है परिवार की अहमियत। तो नेता आप नहीं है, सॉरी, बुरा मत मानिएगा, आप बेटा है और हम सबके जान है। तो जिंदगी में आप इलेक्शन तो जीत ही जाइएगा, जीतने के बाद हमको थोड़ा मोटा माल दीजिएगा, हम इस बार आएंगे तो एगो दुगो हीरोइन को लेके आएंगे। और जीतने के बाद पक्का परगोरा में ही होना चाहिए, और इस बार इधर मत मंच लगाइएगा, वो टंकिया पे लगा दीजिएगा, ना तो हई देखे है सब बनारा चढ़ जाता है उधर, सब भगवान इंसान बना के भेज दिया, बानर बन गया है, ऊपर चला गया है। थोड़ा दूरी और तय कर लो, अंतरिक्ष में मिलोगे। ये मैं कह के जा रहा हूं, चुनाव जीतने के बाद तुरंत ही हमको खेसरिया को बुला लीजिएगा। आप लोग चाहते हैं दोबारा खेसरिया आए? अरे जियो रे मेरी, आई लव यू, कितना प्यार करते हो रे मेरे से। ते हमार कुछ ले ले तरी, सुनू जमन कहा तो नहीं तो धले तरी, आओ आओ तो।